ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू प्यार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। क्या आप अपने शत्रु से बहुत परेशान हैं? दिन रात शत्रु ही आपको दिखाई देता है। सब कुछ रहते हुए भी सुकून नहीं है शत्रु के चलते, और शत्रु की परेशानी आपको जीने नहीं देता है। तो मित्रों, अगर ऐसी परिस्थिति हो तो कर लें यह एक छोटा सा उपाय। शत्रु का सर्वनाश, बर्बाद होना तय है। यह उपाय शत्रु का काल है। यह मुसीबत की पहाड़ है, एकाएक टूट पड़ेगा। शत्रु किधर से भी बच नहीं पाएगा और इसे कोई बचा भी नहीं पाएगा जब तक यह काली पोटली लटकी रहेगी। तो मित्रों, शत्रु भी कई तरह के होते हैं, छोटे बड़े, कुछ मजे भी लेते हैं। तो मित्रों, शत्रु शब्द वहां लिया गया है जो आपके धन दौलत संपत्ति और आपके खून का प्यासा हो, वही शत्रु है। और वैसे शत्रु के ऊपर ही प्रयोग करना चाहिए, छोटे छोटे शत्रुओं पर नहीं। यह तो आम बात है, होता रहता है। तो मित्रों, कर लें इस उपाय को, तो उपाय को अच्छी तरह से समझें। मित्रों, इसमें आपको कुछ सामग्री लेना होगा। यह सामग्री पंसारी के दुकान पर आराम से मिल जाता है, और कुछ ऐसा भी है कहीं भी मिल जाता है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको ऐसा सफेद पेपर लेना होगा। यह सफेद कागज है। और मित्रों, काजल जो आंखों में लगाई जाती है, काजल तो पंसारी के यहां भी मिल जाता है, जनरल स्टोर पर भी मिलता है, परचून स्टोर पर भी मिल जाता है, कहीं भी उपलब्ध है। आप किसी भी दिन को घर में लाकर रख सकते हैं। और इसके बाद धनिया, वही मसाले वाला धनिया, स्क्रीन पर सभी सामग्री को आप देख लीजिएगा। धनिया आपको सिर्फ एक मुट्ठी अपने मुट्ठी से लेना होगा। और मित्रों, फिर ऐसा वाला काला कपड़ा, यही सामग्री है। और इस उपाय को अमावस्या के दिन करना होगा। तो मित्रों, अंधेरी रात में, जब अंधेरी रात की अंतिमवा दिन आती है, उसी को अमावस्या बोलते हैं, क्योंकि यह दो पक्ष होते हैं, एक चांदनी एक अंधेरी। तो चांदनी वाले को पूर्णिमा बोलते हैं, अंधेरी वाले को अमावस्या। इसका ध्यान रहे तो आप सुबह से लेकर 10 बजे रात्रि तक इस उपाय को कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आप पेपर को लें, फिर काजल को लें। और देखिए मित्रों, ये अंगूठा है, उसके बगल वाली, ये वाली अंगुली, अंगूठा के बगल वाली अंगुली से अपने शत्रु का काजल से नाम को लिख दें, बीचों बीच में कागज में। फिर नाम लिखा हुए जगह पर आप एक मुट्ठी धनिया इसमें रख दें। अब अच्छी तरह इसको पुड़िया बना लें, कागज को पुड़िया लपेट के पुड़िया बना लें, ताकि गिरने न पाए। यह पुड़िया को ऐसी तरह समेट के बना लें। और बनाने के बाद मित्रों, फिर काला कपड़ा थोड़ा बड़ा साइज लीजिए, थोड़ा बड़ा हो। अब इस कपड़े के बीच में, इस कागज के जो पुड़िया बनाए हैं, इसको रख के इसको किनारे में इसको बांध लें। मित्रों, किनारे में उस पुड़िया को बांध लें। और बांधने के बाद आप घर से बाहर
चले जाएं, किसी पेड़ पर, कोई भी पेड़ हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन ऊंचा हो, बड़ा हो, उस पेड़ पर लाकर इसको बांध दें। कपड़े को लंबा रखिएगा, बांध दें, ऐसा बांधें कि वो गिरने न पाए। और इसी कपड़े में से बांधना है तो कपड़ा थोड़ा लंबा चाहिए। बांध दें, ऐसा बांधें कि ये ऐसा हिलता रहे मित्रों, ऐसा, और कोई खुलने न पावे, पेड़ के ऊपर चढ़ के बांध दें, ताकि किसी का जल्दी नजर भी न पड़े, ऐसे जगह जाकर बांधे। मित्रों, जैसे जैसे यह पोटली हिलेगा, वैसे शत्रु का हिलना, सर्वनाश, बर्बादी चालू, यह समझें कि उसका अब काल तैयार हो गया है। तो जब तक यह पोटली पेड़ में बंधी रहेगी, तब तक शत्रु बेचैन रहेगा, चैन की नींद नहीं आएगी। अब वह दिन रात अपने मुसीबत, तंगहाली, बर्बादी देखने लगेगा, ऐसे धीरे धीरे उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन पोटली वहां पड़ी रहनी चाहिए। तो मित्रों, यह एक छोटा सा उपाय शत्रु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकता है, अगर आप सही सलामत इसको कर लेते हैं तो यह शत्रु का है काल। तो मित्रों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।